नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। इस समय हम मीरा रोड के नया नगर में बानेगर स्कूल में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उस फेस्टिवल में मौजूद हैं। महिलाओं को भी चढ़ाते हुए आज ये इतना बड़ा फेस्टिवल लगाया है, जिसमें हमारी बहनें जो घरों में रहकर रोजगार करती थी उनको एक अवसर दिया है कि आप आकर यहाँ स्टॉल लगाकर और अपने जो भी सामान है वो बेच सके। यहाँ पर रमजान फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है और इसका आयोजन जो है वो एडवोकेट सनत देशमुख के द्वारा किया गया है। यहाँ पर एक चीज जो खास है देखने वाली कि यहाँ पर महिलाओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए, इसका विशेष ध्यान दिया गया। यहाँ पर महिलाएं जो घर से काम करती थी, जिनके पास कोई स्कोप नहीं था या जिनके पास कोई ठिकाना नहीं था कि वो अपना रोजगार बढ़ा सकें या अपने रोजगार को कैसे आगे चलाएं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट सना देशमुख ने उन महिलाओं के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिनमें लगभग 42 स्टॉल लगाए गए हैं। इस स्टॉल से इन महिलाओं को किस तरीके का फायदा हुआ है और आगे महिलाएं कैसे काम करेंगी, और इसके बारे में जब हमने उन महिलाओं से और एडवोकेट सना देशमुख से पूछा कि इस फेस्टिवल के बारे में उन्हें ख्याल कैसा है, तो उन्होंने क्या जानकारी दी है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये महिलाओं के लिए हमने रमजान फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल लगाया है। इस फेस्टिवल की खासियत ये है कि यहाँ जितने भी स्टॉल्स हैं एग्जीबिशन में, सब महिलाओं ने लगाए हैं। ये वो महिलाएं हैं जो घर से अपना बिजनेस ऑपरेट करती थी, स्मॉल स्केल में अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, कुछ फाइनेंसेस क्रिएट करने के लिए ये अपने घर से काम करती थी। इनको बाहर अपना क्लाइंट्स बनाने के लिए या कस्टमर्स बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, क्योंकि घर में रहने वाली महिलाएं हैं, हिजाब में रहने वाली महिलाएं हैं, ये रोड पर अपने स्टॉल्स नहीं लगा सकती थी। तो हमने ऐसे सोचा, क्यों ना ऐसे महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां पर वो आकर स्टॉल्स लगा सकती है, अपना बिजनेस प्रमोट कर सकती है और इसी तरह से अपने घर का और अपनी फैमिली को जो है वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट बन के उभर सकती है और साथ ही आत्मनिर्भर हो सकती है। ये स्टॉल्स हमने नया नगर में जो बानेगढ़ स्कूल है उसके ग्राउंड पर लगाया है। तकरीबन 42 स्टॉल्स हैं यहाँ पर, जिसमें महिलाएं कुछ आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, अपना आर्ट का एग्जीबिशन उन्होंने लगाया है। कपड़े हैं, कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी है, चप्पल, पर्स, जो भी रमजान से रिलेटेड जो सामान है वो सभी शॉपिंग का एक छत के नीचे आपको इन महिलाओं के पास मिलेगा। ये स्टॉल्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि हमारा मकसद था वुमन एम्पावरमेंट। हम चाहते थे कि इन्हें कस्टमर्स मिले, इसके लिए इनसे चार्ज करना हमें मुनासिब नहीं लगा। हमने ये उन्हें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है, जो भी यहाँ पर जो फैसिलिटीज है वो। 20 अप्रैल आज हमने इसकी शुरुआत की है, 24 अप्रैल यानी संडे को लास्ट रहेगा। रात 8 बजे से 12 बजे तक रोज 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ये जो मेला है, ये फेस्टिवल है, ये चलता रहेगा। देखिए, हम हमेशा बाहर वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण या फिर आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। आज ये महिलाओं को मौका मिला है अपने आप को एम्पावर करने का, आत्मनिर्भर बनने का। तो मैं चाहूंगी इस बार आप सभी एक इस तरह का रेजोल्यूशन लें कि हम इन महिलाओं के पास से ही शॉपिंग करेंगे, ताकि कल को ये अपने पैरों पर सही तरीके से खड़ी रह सके और इनके सशक्तिकरण में आप सभी का एक बड़ा योगदान हो। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी इस एग्जीबिशन में या इस फेस्टिवल में शरीक हो, इन महिलाओं की हौसला अफजाई करें, यही मैं मीरा भाईंदर के सभी नागरिकों से अपील करना चाहूंगी। ये मैंने बानेगढ़ स्कूल में स्टॉल लगाया है और इसमें मैंने तीन चीजें रखी हुई है। एक तो कैलीग्राफी, जो मेरा एज अ हॉबी और पैशन था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं इसको बना दी तो थी पेंटिंग्स, लेकिन इसको कैसे मार्केटिंग की जाए। तो जैसे ही मुझे एग्जीबिशन का पता चला तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मैंने सोचा कि यार ये
बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है क्यों ना मैं कैलीग्राफी पेंटिंग्स को अपनी शोकेस करूं। ये जो महिलाएं घर में बैठी रहती थी उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि भाई बिजनेस कैसे किया जाए, और वो जिनके पास कुछ सोर्स नहीं था आगे ग्रो करने के लिए, दे डोंट हैव एनी आइडिया। तो मुझे लगता है कि जो सना मैम ने ये प्रोवाइड किया, ये एक्सीलेंट एक प्लेटफॉर्म है जिससे एक हाउसवाइफ जो है आ सकती है और इजीली वो अपने काम को जो है मार्केटिंग कर सकती है। उसका हार्डवर्क कोई भी हुनर हो उसके हाथ में, वो इजीली यहाँ पे मार्केटिंग करके जो है अर्न कर सकती है। सना देशमुख को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, थैंक्स अ मिलियन के इन्होंने सब में, पहली बात तो इन्होंने फ्री में रखा है जो स्टॉल। जी मैंने कपड़ों का स्टॉल लगाया है, जैसे आप देख सकते हो काफी सारी वेरायटी है मेरे पास, बुरखे हैं, अबायाज हैं, डीमेट है, काफी सारी चीजें हैं जो कि बानीगर स्कूल नया नगर में लगा है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक आ रही है। सना देशमुख ने जो कदम उठाया वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे हम लोगों को एक कोशिश करने में और लोगों के सामने आने में और कुछ करके दिखाने में हम लोगों को बहुत बड़ा हौसला मिला है। आज तक हम लोग घर तक महदूद थे, लेकिन आज हम घर से बाहर हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करके दिखा रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म सना देशमुख से ही मिला है हम लोगों को। जी हमारे प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ के रिलेटेड है, जैसे बहुत सारे लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी है, स्टोन का प्रॉब्लम है, खांसी वगैरह है, दांतों के परेशानी है, स्किन के लिए, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम औरतों को आदमी को होती है, टैंग वगैरह फेस पे आते तो दुकान पे रखते हैं तो क्या होता है ना, कोई कोई आते हैं। अब यहाँ स्टॉल लगाने से हम लोगों को एक ये बेनिफिट हुआ है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसे जान रहे हैं और उसका प्रचार अच्छे से हो रहा है, और जो नए पुराने जो नहीं यूज कर पा रहे थे वो देख के आके पूछ रहे हैं, जानकारी लेकर जा रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, एक दूसरे से बातचीत हो रही है। पुराने जो नंबर ना होने की वजह से मुलाकातें नहीं हो पा रही थी, तो वो सब भी मुलाकात हो रही है, और एक अच्छा माहौल बना हुआ है औरतों के लिए, खासकर के जो अगर पर्दे वाले हैं तो वो भी आके आराम से अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से आके लोग खरीद रहे, देख रहे हैं, और बहुत दुआएं भी दे रहे हैं, यानी जिन्होंने इंतजाम किया उनके लिए भी बहुत दुआएं दे रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, यानी माहौल बहुत अच्छा खुशगवार है, लग नहीं रहा है कि रात का वक्त है, ऐसे दिन का माहौल लग रहा है माशाल्लाह। उनके लिए तो बहुत बहुत जितना भी इनका शुक्रिया अदा किया जाए कम है, बहुत अच्छा लग रहा है उनका। देखिए लेडीज लोगों के लिए है, एक लेडीज लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए हम लोगों ने रिस्पांस लिया है, अच्छा लगा है हमको, और हम कुछ करना चाहते हैं इसलिए। और फर्क ये है कि दुकान में हम जाते हैं तो बार्गेनिंग करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, यहाँ हमने रिजनेबल रेट्स लगाए हैं। बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये और भी होवे, जैसे दिवाली पे होता है, न्यू ईयर पे होता है, क्रिसमस वगैरह के लिए हम लोगों को और अच्छा मौका मिले। ये मैंने ड्रेस और जो बैग वगैरह का स्टॉल लगाया और कॉस्मेटिक का, हमें जो है सना देशमुख जी ने फॉरवर्ड किए थे मैसेज, बहुत सारे ग्रुप में उन्होंने दिए थे मैसेज कि यहाँ पे स्टॉल लग रहा है फ्री में बानीगर स्कूल में, मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी है तो इसके प्रमोट करना है। हमने यहाँ पर रमजान को नजर में रखते हुए 10-20-30% तक का डिस्काउंट ऑफर किया, उनके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचा और हमारा ख्याल किया। यहाँ पे जो भी स्टॉल्स हम लगे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हमने कुछ भी पे नहीं किया है, एंड ये हमें एनकरेज कर रहे हैं ताकि हम आगे अपना बिजनेस बढ़ा सके। ये मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ मार्केट में नहीं है ये अवेलेबल, ये मेरा खुद का है, यहाँ मार्केट में नहीं है, और यहाँ मैं घर से ही कर रही हूँ, मैं कोई शॉप वगैरह से नहीं कर रही हूँ इसको। महिलाओं को आगे बढ़ने की एक तो वो मिली है और एक नया पहचान भी मिली है इसके थ्रू। तो जैसे कि आपने देखा सना देशमुख और जिन महिलाओं ने यहाँ पर स्टॉल लगाया है उनका एक ही कहना है कि इस तरीके का जो प्रोग्राम है वो होता रहना चाहिए, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो कोई भी तीज त्योहार हो, इस तरीके का जो प्रोग्राम है उसको करते रहना चाहिए ताकि जो महिलाएं घर से अपने परिवार को चला रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके और अपने परिवार का वो सहारा बन सके। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।